दोस्तों हम मार्केट के अंदर सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी लेने के बाद में हम सब्जी वाले को बोलते हैं कि भाई इस सब्जी के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दे जिससे कि सब्जी के अंदर टेस्ट बन जाए। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं हरे धनिए की खेती हम किस प्रकार से करें और वो भी प्रचंड गर्मी के अंदर और प्रचंड लू के अंदर हम धनिए की फसल किस प्रकार से करें। और जब हमारी फसल मार्केट के अंदर जाए, दोस्तों आपको पता है कि गर्मी के अंदर जब हमारी धनिए की फसल जाती है, आगे शादियों का सीजन भी है, तो हमको शानदार इसके रेट मिलने वाले हैं। तो आखिर हम कौन सी वो विधि अपनाएं, कौन सी वो वैरायटी का चयन करें जिससे हमारी जब फसल तैयार होकर मार्केट के अंदर जाए तो हमें शानदार रेट मिले और वो भी गर्मी से बचाते हुए और लू से बचाते हुए हम किस प्रकार से धनिए की फसल जो है सेफ मार्केट के अंदर पहुंचाएं। तो आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी इसी पर आपको दी जाएगी कि हम कौन सी विधि अपनाएं, कौन सी हम वैरायटी का चयन करें और बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक कंप्लीट आपको जानकारी दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो हम धनिए की फसल लगाने जा रहे हैं उसके लिए कैसा खेत का चयन करें और मिट्टी की हमारी किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए खेत की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ऐसा खेत का हमें चयन करना है जिसके अंदर जल निकासी पर्याप्त मात्रा के अंदर होनी चाहिए, पानी उसके अंदर कहीं भराव नहीं होना चाहिए। नहीं, धनिए की दोस्तों फसल एक बहुत ही कोमल फसल होती है, इसके तना बहुत कोमल होता है, इसके अंदर फंगस लग जाएगी और धनिए की फसल ख़त्म हो जाएगी। तो खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर जल निकासी होनी चाहिए। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी की बात करूं तो इसके लिए जो दोमट मिट्टी होती है दोस्तों वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वैसे आप काली मिट्टी के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना खेत का चयन कीजिए। बात करने वाले हैं खेत की तैयारी की। तो दोस्तों खेत की तैयारी, जिस खेत के अंदर हम धनिए की फसल लगाने जा रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है कि एक बार गहरी जुताई कर दी प्लाव से, क्योंकि उसके अंदर आप गेहूं के, सरसों के हमारे खेत खाली हुए हैं तो उनके अंदर गेहूं के डाकड़े भी है, सरसों के डाकड़े भी है, तो उनको बढ़िया काटने के लिए आप एक बार गहरी जुताई कर दीजिए। उसके बाद में कम से कम दो बार टीलर लगाने के बाद में उसके अंदर पाटा मार दीजिए। पाटा मारने के बाद में आपके पास देसी खाद है तो कम से कम पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों आप इसके अंदर तीन ट्रॉली खाद डाल दीजिए। देसी खाद डालने के बाद में बढ़िया उसको खेत के अंदर फैला दीजिए। फैलाने के बाद में एक बार रोटेवेटर घुमा दीजिए। रोटेवेटर घुमाने के बाद में उसके अंदर दोस्तों अब अपना नंबर आता है पलेवा का। पलेवे की बात करूं तो पलेव हमें जो ऐसी करनी है, गहरी पलेव करनी है, क्योंकि अगर आपने हल्की पलेव करी तो आगे जो हमारा धनिए की फसल होगी उसके अंदर खेत में नमी नहीं रहेगी, जर्मिनेशन नहीं होगी। तो आपको गहरी पलेव करने के बाद में फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा टाइट हो जाए तो खेत को, तो फिर उसके बाद में आप एहरो से एक बार बढ़िया जुताई कर दीजिए। उसके बाद में फिर दो बार टीलर लगाने के बाद में दोस्तों उसमें पाटा मार के खेत को नमी को दबा दीजिए। अब अपन बात करते हैं उसके अंदर हम रासायनिक खाद कौन कौन से डालते हैं। तो रासायनिक खाद की बताऊं तो आप 50 केजी इसके अंदर SSP ले लीजिए, 50 केजी पोटास ले लीजिए और 25 केजी आप यूरिया ले लीजिए। इनको सभी को अच्छी तरह से मिलाकर बेसल डोज के अंदर पूरे खेत के अंदर फैला दीजिए। फैलाने के बाद में एक बार बढ़िया रोटेवेटर से घुमा दीजिए। रोटेवेटर घुमाने के बाद में दोस्तों अब उसके अंदर एक बार पाटा मार दीजिए और नमी को वहाँ पर दाब दीजिए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आखिर बीज मात्रा कितनी चाहिए। तो पर एकड़ के हिसाब से, गर्मी का मौसम है, इसके लिए आप 8 से 10 केजी जो धनिया होता है वो बीज ले लीजिए। और बीज जो हमने बीज लिया है, जिस भी हमने वेराइटी का, मैं आगे बताऊँगा, जो भी हम वेराइटी का चयन कर रहे हैं, धनिया पूरा होता है उसकी दो फाड़ करनी है हमें किसी भी विधि से। उसको बढ़िया रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद में उसके दो फाड़ हमने करने के बाद में फिर दोस्तों उसके अंदर क्या करना है, आपको जो भी कोई वैरायटी का आप चयन कर रहे हैं उसको 8 से 10 घंटा दोस्तों पानी के अंदर भिगो दीजिए। पानी के अंदर भिगोने के बाद में फिर उसको एकदम सूती कपड़ा या जूट वाला कोई भी बोरी उसके अंदर आप उसको डाल के और उसको सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में आप उसको फैला दीजिए। फैलाने के बाद में उसको बीजोपचार जरूर करना है। बीजोपचार के लिए आप 2 ग्राम कार्बेंडीजम पर केजी के हिसाब से आपको बीजोपचार करना है, जिससे कि हमारी धनिए की फसल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फंगस ना लगे। और हमारा जो ये भिगोने का मकसद ये है कि जब हम अपने खेत के अंदर इसको बुआई करेंगे तो इसकी जर्मिनेशन है जो वो बहुत ही अच्छी होगी, जल्दी जर्मिनेशन होगी और बहुत ही अच्छा हमारा धनिया होगा, बिना किसी रोग के निरोगा एकदम धनिया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम कौन सी वेराइटी अपने खेत के अंदर लगाएं। वैरायटियों की बात करूं तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वैरायटी का हमारी फसल के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमने बढ़िया वैरायटी का, हाइब्रिड वैरायटी का चयन किया है तो हमें
जल्दी फसल मिलेगी, अच्छी फसल मिलेगी, और हमने अगर कोई वैरायटी गलत लगा दी तो दोस्तों हमें नुकसान जा सकता है। तो इसके लिए आप वैरायटी का ऐसा सिलेक्शन करिए, या तो आप अपने एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से जो वैरायटी बढ़िया हो उस वैरायटी की बुआई कर दीजिए। उसके बाद में आपको मैं 3 वैरायटी बताता हूँ। आप आरके सीड जो होता है धनिया का, बहुत ही शानदार हाईब्रिड वैरायटी, आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप VNR का जो मुस्कान होता है, ये भी धनिया की बहुत ही टॉप वैरायटी है, इसको भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार उपज देगा ये भी हमें। उसके बाद में जो नामधारी का सुरभि वैरायटी आती है, ये भी बहुत टॉप वैरायटी है, तो आप इन कोई भी वैरायटियों में से आप अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। दोस्तों अब अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि आखिर हम कौन सी विधि से धनिया की बुआई करें जिससे हम प्रचंड गर्मी और लू से अपनी फसल को बचाते हुए सेफ मार्केट के अंदर लेकर जाएं। तो इसके लिए मैं आपको 2 विधि बताता हूं। उससे पहले जिस भी आप प्लॉट के अंदर धनिया की फसल दोस्तों बुआई करने जा रहे हैं, उसके अंदर कम से कम 5 से 6 कूल चारों साइड में दोस्तों आप मक्का की बुआई कर दीजिए पहले। उसके बाद में अब आप क्यारियों के अंदर भी धनिया की बुआई कर सकते हैं और बेड पर भी बुआई कर सकते हैं। यदि आपने क्यारियों के अंदर धनिया की बुआई की है तो जो क्यारियों की डांड बनाई है, क्यारी की डांड है और जो धोरों की डांड है, उनके ऊपर हमें दोनों साइड में मक्का जरूर लगानी है। यदि आपने बेड पर लगा रहे हैं तो बेड पर, क्योंकि बेड पर कोई भी चीज़ हम लगाते हैं तो बहुत जल्दी होती है और शानदार पैदावार होती है, तो बेड पर यदि लगा रहे हैं तो चारों साइड में तो आपको करनी है मक्का की बुआई। उसके बाद में आप 4 बेड धनिया के लगाइए, फिर 2 बेड उसके बीच में मक्की के लगा दीजिए पार खेत के अंदर, तो पूरे खेत के अंदर इस प्रकार से लगा दीजिए। तो दोस्तों हमारी धनिया की फसल की रक्षा के लिए जो मक्का की फसल है ये जल्दी ऊपर ग्रोथ कर जाएगी और हमारा धनिया उसके अंदर सेफ रहेगा। जो भी गर्म लू चलेगी या गर्म हवा चलेगी या गर्मी का असर जो है वो कम होगा धनिया के अंदर, और हमारी धनिया की फसल जो है गर्मी के अंदर सेफ रहेगी, सेफ मार्केट के अंदर जाएगी। तो आप इस विधि से भी अपने धनिया की फसल की बुआई कर सकते हैं, ये विधि अपना सकेगी। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो दोस्तों जब हमने बढ़िया गहरी सिंचाई पड़ेवा, बढ़िया गहरा पड़ेवा करके हमने जब लगाया है, तो आप जब इसके अंदर 3 से 4 पत्ती हो जाए तो पहला पानी हमें लगाना है, और उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर आप 4 से 5 दिन के बाद में आप इसके अंदर पानी लगाते रहिए, नमी बनाए रखिए खेत के अंदर। नमी बनी रहेगी तो हमारी जो फसल है धनिया की वो बहुत ही शानदार ग्रोथ करेगी और बहुत ही अच्छी पैदावार होकर मार्केट के अंदर जाएगी। उसके बाद में आप कम से कम 19 से 20 दिन की जब हमारी धनिया की फसल हो जाए तो उसके अंदर आप NPK 19-19-19 की एक स्प्रे दोस्तों जरूर कर दीजिए, जिससे हमारी जो फसल है धनिया की वो शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी और बहुत ही अच्छी फसल होगी। तो दोस्तों इस विधि से यदि आप धनिया की फसल तैयार करेंगे तो आपकी फसल जो है गर्मी और लू से सेफ बचती हुई मार्केट के अंदर पहुंचेगी, और मार्केट के अंदर जब जाएगी तो बहुत ही शानदार आपको दोस्तों गर्मियों के अंदर रेट मिलेंगे। तो ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।